जम्मू में लगातार हो रहे आतंकी हमले पर खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों का दावा है कि घाटी और जम्मू में दहशत फैलाने के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू में हालिया आतंकी हमले में आतंकियों ने M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों के पास अमेरिकी हथियार मौजूद है। ये वही हथियार है जिन्हें अमेरिकी सैनिक 2021 में अफगानिस्तान में छोड़ गए थे। अब ये अमेरिकी हथियार पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के हाथ लग चुके हैं। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान से इन हथियारों की डील की और उन्हें पाकिस्तान में मौजूद हर आतंकी संगठन तक पहुँचा दिया। अब इन्हीं अमेरिकी हथियारों की मदद से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशत और आतंक का पुराना दौर वापस लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तालिबान के हाथ लगे अमेरिकी हथियार पाकिस्तान के जरिए 2022 से ही कश्मीर तक पहुंचने लगे थे, जिसमें सबसे ज्यादा M4 कार्बाइन राइफल है, जो इन दिनों जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे आतंकियों के पास से बरामद हो रही है। पाकिस्तान आतंकी जम्मू कश्मीर में सेना पर हमला करने के लिए M4 कार्बाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी हथियार से वो सेना के काफिले पर पहली फायरिंग करते हैं। भारतीय सेना को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तानी आतंकियों की पहली पसंद अमेरिकन M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल बन चुकी है, जो एक मिनट में 700 से 970 राउंड गोलियों को दागने में सक्षम है। इसकी प्रभावी फायरिंग 500 से 600 मीटर है। इसलिए पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने अपने आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा M4 राइफलों को जम्मू कश्मीर भेजने का फरमान सुनाया है। भारतीय एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने पाकिस्तान में ISI की सरपरस्ती में आतंकी संगठनों की दो बड़ी बैठकें लाहौर और बहावलपुर में हुई। इस मीटिंग में लश्कर ए तैयबा ने M4 राइफल्स को जम्मू कश्मीर भेजने की साजिश तैयार की। सूत्रों के मुताबिक अब तक 2 दर्जन से ज्यादा M4 राइफल जम्मू कश्मीर में पहुँचाई जा चुकी है। स्टील की गोलियां दागने की ताकत रखने वाली M4 राइफल से आतंकियों ने 2017 में जम्मू कश्मीर में पहला हमला किया था। अमेरिकी सेना ने 2021 में अफगानिस्तान से लौटते वक्त करीब 3.5 लाख हथियार वहीं छोड़ दिए थे, जिसमें 3,16,000 से ज्यादा छोटे हथियार थे और 16,000 हैवी वेपन शामिल थे। इनमें M4 स्नाइपर और M4 कार्बाइन राइफल्स, M16A4 राइफल्स, M249 मशीन गन, AMG राइफल्स, M4A1 कार्बाइन, M16A2A4 असॉल्ट राइफल शामिल थे। तभी आशंका जताई गई थी कि आतंकी संगठन इन हथियारों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी सेना ने 1.5 लाख से ज्यादा कारतूस और 42,000 नाइट विजन कैमरा भी छोड़ दिए थे। तालिबान ने इन हथियारों को बेचकर खूब कमाई की। M4 राइफल को $2,400 में बेचा गया और AK-47 की कीमत $130 रखी गई, जबकि नाइट विजन कैमरा $500 से $1,000 में बेचा गया। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान से इन हथियारों को खरीद कर आतंकी संगठनों को दिया, ताकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद आई शांति में फिर से खलल पैदा की जा सके। और नैनीताल सिर्फ झील झरने ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक इमारतों के लिए भी जाना जाता है। कई भवन ऐतिहासिक हैं तो यहां का पोस्ट ऑफिस भी काफी पुराना है, लेकिन अब इस पर शिफ्टिंग का संकट है। सरोवर नगरी का ये ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस अब टूटने की कगार पर पहुंच गया है। सौंदर्यकरण के साथ सड़क के चौड़ीकरण की वजह से ऐसा हो रहा है और सालों पुराने इस पोस्ट ऑफिस को यहां से शिफ्ट करने की योजना प्रशासन बना चुका है, लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं और पोस्ट ऑफिस को हेरिटेज बताकर तल्ली ताल के इस पोस्ट ऑफिस को संरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। वो एक हेरिटेज बिल्डिंग है 1883 की, और उसको हटाने का प्रयास एक बार पहले भी किया जा चुका है, करीब 15-20 साल पहले। तब भी हमने विरोध किया था और मतलब सहमति आई थी प्रशासन को और वो मामला रोक दिया गया था। नैनीताल को अब इन्होंने सिर्फ होटल, माल रोड और पार्किंग तक। और ये जो डाकखाना है, जब सिर्फ हम संचार का एकमात्र साधन जब डाक सेवा होती थी, तब से ये जुड़ा है। कोई भी सभ्य देश या सभ्य समाज अपनी धरोहरों को सजा के रखता है, संभाल के रखता है, लेकिन ये हमारे शहर को तो ऐसा लगता है कि प्रशासन को जो मर्जी आता है वो कर देता है। प्रशासन नैनीताल शहर के सौंदर्यकरण के साथ नैनीताल की सड़कों का चौड़ीकरण कर रहा है। पर्यटकों को जाम से बचाया जा सके, इसके लिए इस पोस्ट ऑफिस को बस स्टैंड के ऊपर शिफ्ट करने की योजना है।
जो नया बस अड्डा और उसके आगे पोस्ट ऑफिस का एरिया है, यदि पोस्ट ऑफिस को शिफ्ट करने पर भारत सरकार से सहमति बनती है, जिसके अभी वर्तमान में प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये जो एरिया है ये हमें आगे उपलब्ध होगा। इससे भवाली रोड की जो एंट्री है उसको भी चौड़ा किया जा सकेगा, अन्य सड़कों के जो प्रवेश बिंदु हैं जहां पर नैरो एंट्री बनती है उसको भी चौड़ा कर सकते हैं। बहरहाल चिट्ठी के दौरे से अब हम ईमेल व्हाट्सएप के दौर में जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन पुराने पोस्ट ऑफिस से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इसकी शिफ्टिंग का विरोध हो रहा है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।